एक और जहां राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से खत्म हो गई और राहुल गांधी के बारे में सत्ता पक्ष तरह तरह की बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर जहां से राहुल गांधी सांसद थे केरल के वायनाड से, आज संसदीय खत्म होने के बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंचे। हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, अब बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। क्या उमड़ती हुई भीड़ यह देखती है जिनकी सदस्यता चली गई? क्या आज भी लोगों को उतना ही राहुल गांधी के प्रति झुकाव और प्रेम है जितना पहले था? संसदी रहे या जाए, संसद सदस्य रहे या जाए राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी मुकाम हासिल किया, कांग्रेस को जिंदा किया, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने पदयात्रा निकाला कन्याकुमारी से कश्मीर तक। वायनाड में महती जनसभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया और जुलूस में गाड़ी पर चढ़कर लोगों का अभिवादन किया। राहुल और प्रियंका दोनों भाई बहन मिलकर वायनाड के लोगों के साथ दिल से दिल को मिलाया और बातें की और यह दिखाया कि सांसद रहें या न रहें, राहुल गांधी की खुद की पहचान है। लोगों को राहुल गांधी से अपार अथाह प्रेम है। धूम मचाया है राहुल गांधी ने पिछले कई महीनों से। राहुल गांधी ने धूम मचाया है और राहुल गांधी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। अडानी प्रकरण में राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से प्रश्न पूछा और आंख में आंख डालकर अडानी और मोदी के संबंध के विषय में जानने का प्रयास किया और आज भी खुलकर अडानी और मोदी के प्रकरण पर राहुल गांधी चर्चा करते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह धूम मचाना पूरे देश में शुरू किया है कि मानो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आने वाले समय के सबसे बड़े नेता माने जाएंगे और कहे जाएंगे। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24 में विवेक का। वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।